गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टुडे वी विल कंटिन्यू आवर ग्रामर पोर्शन एंड इन दिस पोर्शन टुडे वी विल रीड हाउ वी चेंज एनी वर्ब इनटू डिफरेंट थ्री फॉर्म्स आपने फिफ्थ में भी पढ़ा होगा कि वर्ब्स की जो है वो थ्री फॉर्म्स हम बना सकते हैं और उनका कैसे यूज़ करते हैं हम दैट डिपेंड्स ऑन द सेंटेंस एंड द टेंस वी आर यूजिंग सो हाउ टू चेंज अ वर्ब इन टू थ्री फॉर्म्स वी विल लर्न इन दिस वीडियो सो थ्री फॉर्म्स को वैसे हम आपको क्या बोलते हैं कि फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म लेकिन उसे हम किस तरह से याद करना करना चाहिए हमें सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट और पास्ट पार्टिसिप सिंपल प्रेजेंट जो है वो आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसे हम बोलते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और जो सेकेंड फॉर्म है वो बोलेंगे हम उसको सिंपल पास्ट और जो थर्ड फॉर्म है वो होती है पास्ट पार्टिसिपल ठीक है तो थ्री फॉर्म्स कौन कौन सी हो गई सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल जब भी हमने कोई भी वर्ब को लर्न करना है थ्री फॉर्म्स जब हमने लर्न करनी है तो हम इसी तरह से लर्न करेंगे कि सिंपल प्रेजेंट है सिंपल पास्ट है पास्ट पार्टिसिपल है ठीक है इस तरह से हमें जो है वो बहुत जल्दी याद होता है अभी मैं इसमें इस वीडियो में हम आप ये देखेंगे कि चेंज कैसे करते हैं कोई भी वर्ब है उसकी थ्री फॉर्म्स हमने लर्न कैसे करनी है तो इसमें थोड़ी सी स्पेलिंग टिप्स जो है वो मैंने दी हैं आई होप दिस विल डेफिनेटली बी यूजफुल फॉर यू और थोड़ा सा जो है वो आपको ईजी हो जाएगा लर्न करने के लिए हमारे पास बेटा वर्ब जो हैं वो दो तरह के होते हैं एक रेगुलर वर्ब बोलते हैं और एक इरेगुलर वर्ब बोलते हैं ठीक है रेगुलर वर्ब्स की जो है वो किस तरह से फॉर्म्स बनती हैं वो यहाँ पे तीन चार पॉइंट्स में दिया हुआ है वो आप इसको ध्यान से देखेंगे तो फर्स्ट है हमारा कि इफ अ वर्ब इज़ रेगुलर वर्ब पास सिंपल पास्ट पार्टिसिपल एंड सिन ई जब रेगुलर वर्ब होता है तो हम किस तरह से चेंज करेंगे केवल ई डी लगाना है वर्ब के पीछे हमने ई डी लगाना है जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है आपको प्ले प्ले आपने प्ले के बाद क्या लगा दिया ई डी क्या बन गया प्लेट और इसका पास्ट पार्टिसिपल भी क्या है प्लेट अगर हम अपनी लैंग्वेज में बोलें तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है प्ले सेकेंड फॉर्म है प्लेट और थर्ड फॉर्म है प्लेट लेकिन हमें इसे कैसे लर्न करना है प्रेजेंट क्या है प्ले पास्ट सिंपल पास्ट क्या है प्लेड और पास्ट पार्टिसिपल क्या है प्लेट वो भी क्या है आपका प्लेट नेक्स्ट इज योर आस्क आस्क नेक्स्ट इज फिनिश फिनिश क्या होता है खत्म करना फिनिश का भी क्या होगा हमने क्या करना है इसमें पास्ट में ईडी लगा देना है और पार्टिसिपल में भी क्या करना है हमने ईडी लगा देना है तो क्या बन जाएगा ये फिनिश फिनिश्ड फिनिश्ड वैसे ही आपका यूज है यूज 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 फिर कॉल कॉल्ड कॉल्ड पॉइंट पॉइंटेड पॉइंटेड ठीक है एक तो हमारा तरीका होता है थ्री फॉर्म्स करने का कि हमने वर्ब के पीछे जो है वो ईडी लगाना है एक एक तरीका हो गया नाउ द सेकेंड इज कि इफ अ वर्ड एंड्स इन द कॉन्सोनेंट वाई कॉन्सोनेंट क्या होते हैं वर्बल्स को छोड़ के जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं कॉन्सोनेट्स समझ में आई तो वॉवल्स कौन से होते हैं हमारे ए ई आई ओ यू ये भी हम आगे पढ़ेंगे पर हम थोड़ा यहाँ देखेंगे कॉन्सोनेंट उनको छोड़ के जितने भी अल्फाबेट्स हैं वो सब क्या होते हैं कॉन्सोनेंट्स होते हैं तो जब हमारा वर्ब वाई कॉन्सोनेंट्स के साथ खत्म होता है जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया आपको बेबी खैरी इजी ठीक है ना तो यहाँ पे क्या है लास्ट सब में लास्ट में क्या है वाई वाई है तो वाई को हम किस में चेंज कर देंगे आई में चेंज कर देंगे और साथ में क्या लगा देंगे ईडी ठीक है ईडी हमने लगाना ही है बस हमने क्या करना है वाई को चेंज करना है आई में या आप ऐसे कह सकते हैं कि वाई को काट के हमने क्या लगा देना है आई ई डी ठीक है यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जैसे आपका हरी हरी ठीक है हरी तो इसका क्या हो जाएगा यहाँ वाई है एच यू आर आर वाई वाई को काट के हम क्या कर देंगे आई ई लगा देंगे एच यू आर आर आई ई डी हर और इसका पास्ट पार्टिसिपल भी क्या हो जाएगा हर इट नेन स्टडी स्टडीड स्टडीड अप्लाय अप्लाइड अप्लाइड ट्राई ट्राइड ट्राइड ठीक है ये सब क्या है वाई को काट के हमने क्या लगा दिया आई ई -e यहाँ देखो आपको बताया ही है लिखा भी है मैंने कि ई आई ओ यू ठीक है ये क्या है दीज ऑल आर वर्बल लेटर्स मतलब साउंड्स हैं ये जैसे हम लोग हिंदी में कैसे अ आ ई ई क्या है वो उनको स्वर कहते हैं ना स्वर वैसे ही हमारे इंग्लिश के वर्बल्स हैं ठीक है ठीके? और बाकी जितने भी लेटर्स हैं बी सी डी एफ जी एससेट्रा जो ये सारे हैं इनको हम क्या बोलेंगे कॉन्सोनेंट्स क्या बोलेंगे कॉन्सोनेंट अब ये हो गया ठीक है आई होप आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा अब थर्ड है आपका इफ अ वर्ब एंडस इन ई अगर वर्ब खुद ही लास्ट में वर्ब के ई e हो तो हम क्या करेंगे ई e टी कैसे लगाएंगे क्योंकि डबल ई e टी तो होता नहीं है तो हम उसमें क्या करेंगे केवल टी लगाएंगे जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हुए हैं आपके होप एच ओ पी ई होप तो हमने क्या किया केवल क्या लगाया डी लगाया होप्ड होप्ड स्माइल स्माइल्ड स्माइल्ड डेंस डेंड कन्फ्यूज 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 ठीक है क्या किया हमने जो वर्ब के लास्ट में ई होता है अगर उसका हमने चेंज करना है थ्री फॉर्म्स में चेंज करना है पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे ई के बाद हम सिंपल डी लगा देंगे ठीक है आपको शायद थोड़ा सा समझ में आ ही गया होगा अब नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है आपका कि समटाइम्स वर्ड्स एंड इन वावल प्लस कॉन्सोनेंट पहले क्या आएगा वावल और उसके बाद क्या आएगा कॉन्सोनेंट आएगा ठीक है जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया आपका स्टॉप है ना स्टॉप फिर दिया है प्लान स्टॉप में देखेंगे पहले आपका लास्ट के टू वर्ड्स देखेंगे हम तो पहले ओ ओ क्या है आपका वावल और नेक्स्ट क्या है आपका पी P क्या है कॉन्सोनेंट मतलब लास्ट का जो वर्ड आपका कॉन्सोनेंट है उससे पहले अगर आपका वर्वल आएगा तो हम कैसे चेंज करेंगे हम क्या करेंगे इन सच केसेस बिफोर द एंडिंग ईडी विद डबल द कॉन्सोनेंट एट द एंड कि ईडी लगाने से पहले हम क्या करते हैं वर्ब का जो लास्ट लेटर है कॉन्सोनेंट है उसको हम डबल कर देंगे ठीक है उसको क्या करेंगे हम डबल कर देंगे जैसे अब जैसे स्टॉप था है ना स्टॉप है तो स्टॉप में क्या करेंगे हम क्योंकि पी से पहले क्या है कॉन्सोनेट है ठीक है तो हम सिंगल ई डी नहीं लगाएंगे हम क्या करेंगे पी को डबल कर देंगे तो पी क्या हो जाएगा डबल पी हो जाएगा वैसे ही प्लान में क्या है डबल एन हो जाएगा यहाँ पे एग्जाम्पल देखो दिया हुआ है स्टॉप एस टी ओ पी स्टॉप है ना तो हमने क्या किया पी को क्या कर दिया डबल कर दिया ठीक है स्टॉप्ड हो गया स्टॉप्ड स्टॉप्ड नेक्स्ट है आपका प्लान पी एल ए एन लास्ट क्या है हमारा कॉन्सोनेंट एन ठीक है लास्ट कॉन्सोनेंट हमारा क्या है एन और उससे पहले क्या है ए ए क्या है हमारा ववुल है ना ववल के बाद कॉन्सोनेंट है ना तो हम क्या करेंगे कि कॉन्सोनेंट को क्या कर देंगे डबल कर देंगे प्लांट हो जाएगा ये प्लान प्लांट प्लांट वैसे ही आर यू बी ठीक है रब रब्ड, रब्ड बी डबल हो गया बी से पहले क्या है यू और यू क्या है हमारा कॉन्सोनेंट ठीक सॉरी यू क्या है हमारा वावल वावल के बाद हमारा कॉन्सोनेंट है ना तो क्या कॉन्सोनेंट क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा बी क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा ठीक है तो ये हमारे कुछ मैथड्स थे बेटा कि हम किसी भी वर्ब को जो है वो डबल करेंगे या उसके पीछे ई डी लगाएंगे या ई डी लगाएंगे कैसे लगाएंगे तो आई होप आपको पहले समझ में नहीं आता था बहुत ही कन्फ्यूजन हो जाता है हमारा कि हम उसमें क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे तो थोड़ा सा जो है वो अब आपको पता चल गया होगा पहले में हमने क्या देखा कि हमने केवल क्या करना है रेगुलर वर्ब्स हैं और हमने इसमें क्या लगा देना है ई डी लगा देना है ठीक है और दूसरा आपने क्या देखा कि वाई अगर लास्ट में वाई आता है किसी भी वर्ड के तो वाई काट के क्या कर देंगे आई कर देंगे और साथ में लगा देंगे ई ठीक है और फिर तीसरे में हमने क्या किया कि अगर ऑलरेडी ई है वर्ड के पीछे ऑलरेडी ई है तो ई डी नहीं लगाएंगे हम सिंपल डी लगाएंगे और चौथा क्या था कि अगर लास्ट में कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट से पहले वावल आता है तो हम उस कॉन्सोनेंट को क्या करेंगे डबल कर देंगे ठीक है ये कुछ मैथड्स है बेटा आई होप आपको थोड़ा हेल्पफुल रहा होगा ये सब वैसे तो बहुत हैं तरीके भी बहुत हैं लेकिन बच्चे आपके स्टेज पर आपके लिए इतना ही जानना जो है वो काफ़ी है थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे